नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जब से चीन सीमा पर भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को धूल चटाई, तभी से चीन तो चीन जिनपिंग सरकार के इशारे पर चलने वाला ग्लोबल टाइम्स भी बौखलाया हुआ है। वो लगातार चीनी सैनिकों की ट्रेनिंग की वीडियोस पोस्ट कर ये बताने में जुटा हुआ है कि चीन की आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी। उसने मंगलवार को ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की एक टिकटॉक वीडियो पोस्ट की और लिखा, हार्ड ट्रेनिंग से थककर सोने के बावजूद चीनी सैनिक अपनी बंदूक को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। चीनी सैनिकों के लिए बंदूक का यही मतलब। ग्लोबल टाइम्स इस टिकटॉक वीडियो से चला था चीनी सैनिकों की बहादुरी का बखान करने, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने चीनी आर्मी को ही ट्रोल कर दिया। ट्विटर यूजर इशिता यादव ने लिखा, मेरा कुत्ता भी जब सोता है तो उससे कोई खिलौना छीनता है तो वो भी यही करता है। नरेंद्र मोदी फैन ने ट्वीट किया, फुल कॉमेडी चल रही, हमारा एंटरटेनमेंट अच्छा चल रहा है। ट्विटर यूजर श्रीकांत ने ग्लोबल टाइम्स के संपादक पर तंज मारते हुए लिखा, ज्यादा सैनिकों के हताहत होने के बाद से लगता है ग्लोबल टाइम्स का संपादक सोया नहीं। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सैनिकों की जो वीडियो पोस्ट की उस पर इसी तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बता दें, जब से चीन सीमा पर झड़प हुई है तभी से ग्लोबल टाइम्स एक तरह से सरकारी एजेंडा चला रहा है। कभी कहता है कि भारत को चीन से दुश्मनी लेना भारी पड़ेगा, तो कभी कहता है कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रही। भारत को गीदड़ भपकी देने वाले ग्लोबल टाइम्स की इन्हीं सब हरकतों से तंग आकर अमेरिका ने उसे राजनयिक नियंत्रण श्रेणी में डाल दिया। अब ग्लोबल टाइम्स को अमेरिका में अपने कर्मचारियों के परिसंपत्तियों के बारे में विदेश विभाग को पूरी जानकारी देनी होगी।